विपक्षी गठबंधन INDIA की गांठें कसने से पहले ही ढीली हो चुकी हैं। ये सवाल उठा है क्योंकि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने खुले मंच पर आकर बड़े संकेत दे दिए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस के लिए सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का काम हर बदलती तारीख के साथ और मुश्किल होता दिख रहा है। तो जिस तरह अब विपक्षी गठबंधन में एक कलह दिख रही है, उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? चलिए समझते हैं हर बड़ी बात। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ 24 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव राज्य में अकेले लड़ने का फैसला किया है। बनर्जी ने कहा, मैंने उन्हें यानी कांग्रेस को सीटों के बंटवारे पर एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शुरू में ही इसे नकार दिया। हमारी पार्टी ने अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपने दम पर 300 सीट चुनाव लड़ ले, क्षेत्रीय दल एकजुट हैं और बाकी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हम बंगाल में उनके यानी कांग्रेस के किसी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनर्जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी विपक्षी गठबंधन के एक हिस्से के रूप में चुनाव के बाद अपनी रणनीति तय करेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ममता की पार्टी की ओर से कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए उसे केवल 2 सीट देने की पेशकश की गई, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान बढ़ गई। इसके अलावा राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में ममता ने दावा किया कि कांग्रेस ने उन्हें राज्य में यात्रा के कार्यक्रम के बारे में सूचित नहीं किया। जब ममता के बयानों को लेकर चर्चा तेज हुई तो कांग्रेस का बयान भी सामने आया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को साधने की कोशिश की। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ TMC है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और ममता जी ने जो कहा कि BJP को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगा। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधीर BJP की भाषा बोलते हैं। आपको बता दें कि अधीर पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी को लगातार निशाने पर ले रहे थे। कांग्रेस आलाकमान या तो इसको अनदेखा करता रहा या फिर समय रहते इसकी वजह से पैदा हुए उन हालात को भांप नहीं पाया जो अब खुलेआम दिख रहे हैं। 24 जनवरी को ही पंजाब से भी बहुत बड़ा बयान सामने आया, ऐसा बयान जिसमें आम आदमी पार्टी ने साफ संकेत दे दिए कि वो राज्य में कांग्रेस को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। पंजाब CM और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान का ये बयान सुनिए। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब से ये संकेत अचानक सामने नहीं आए। वहां से लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राज्य इकाइयों के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही थीं। इस मामले में दोनों पार्टियों के आलाकमान की रणनीति पर भी सवाल उठते हैं। वहीं 24 जनवरी को ही बिहार से भी एक ऐसा बयान आया जिसे लेकर सियासी अटकलें तेज होने लगी हैं। बिहार के CM और विपक्षी खेमे का हिस्सा नीतीश कुमार ने जब कर्पूरी ठाकुर का जिक्र कर परिवारवाद पर सवाल उठाया तो उनका यह भाषण तेजी से चर्चा में आ गया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आज कल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहा करते रहता है नेता बनता है। जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। जब JDU से इस भाषण पर सवाल पूछे गए तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर MP को MLA का टिकट भी देने से मना कर दिया था, इसको लेकर के नीतीश कुमार जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे।
उन्होंने पीएम की प्रशंसा की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत, उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो परिवारवाद पर हमला की बात है वो कहीं न कहीं आपके सहयोगी राजद पर ठीक बैठता है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, नीतीश कुमार जी अपनी राय कल इस विषय में दे चुके। बिहार में चूंकि राजनीति पल पल करवट बदल रही है, कभी नीतीश कुमार मोदी जी की तारीफ कर देते हैं तो तत्काल जो है लालू जी और तेजस्वी जी मिलने पहुंच जाते हैं, फिर कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश जी फिर से तारीफ करते हैं और फिर निशाना भी साधते हैं वो परिवारवाद को लेकर के। क्या लगता है आपको, इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है? देखिए, मुझसे पूछिएगा, मैं सबसे भिन्न हूं मीडिया से, हमारे पार्टी के। ये 6-5 का खेल चल रहा है, दोनों हार्ड बार्गेनर हैं। आप इधर क्या, जब से हैं तब से बार्गेनिंग ही चल रहा है। आप देखें, एक दिन आरजेडी ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री हैं, तुरंत नीतीश जी का मंत्री ने बयान दे दिया कि अमित शाह जी ने नहीं कुछ बोला है खिलाफ में। बस दूसरे दिन लालू जी पुता पुत्र पहुंच गए, घुटने टेक दिए। फिर जब नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मायके का दरवाजा बंद है ये वो नहीं बताते। कुल मिलाकर विपक्षी खेमे से अलग अलग दलों के नेताओं के जो सुर सामने आ रहे हैं, उनसे विपक्षी सियासत का भविष्य और दिलचस्प हो गया है।